चलती है कि वजीर आला पंजाब अहलियत नहीं रखते, और उसके मुकाबले में जो 2.5 साल पहले बॉलीवुड का एक्टर कभी बूट पहन के खड़ा होता था पारी में, कभी वो टोपियां पहन के खड़ा होता था, वो आदमी मुझे चाहिए था जो पाकिस्तान में जिसका जीना मरना हो, जिसको कोई छुट्टियों के लिए लंदन ना जाना पड़े, लंदन के महंगे तरीन इलाकों में इन्होंने महलात लिए हुए। एक तरफ मौजूदा वजीर आला है, दूसरी जानिब बॉलीवुड का अदाकार था। ऐसा वजीर आला चाहता था जिसका जीना मरना पाकिस्तान में हो। वजीर आजम इमरान खान ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह कर दिया। जल्द सूबा बनाने का आजम, कहा जनूबी पंजाब की आबादी के हिसाब से नौकरियां देंगे। 5 साल बाद पंजाब के लोग देखेंगे किसने उनकी मदद की। जब अपनी पार्टी बना रहे थे तब भी पसमांदा इलाकों का एहसास था, वजीर आजम कहते हैं। उस वक्त शाह महमूद कुरैशी को दावत दी तो उन्होंने कहा, अभी ठहरो, देखता हूं तुम क्या करते हो। मुझे याद है मैंने शाह महमूद को भी दावत दी थी पार्टी में आने के लिए, लेकिन शाह साहब ने तब देखा कि अभी थोड़ा सा जरा ठहर जाओ, मैं तुम्हें देखूंगा क्या करते हो। शुगर स्कैंडल में जहांगीर तरीन एंड फैमिली की मुश्किलात, हम ख्याल ग्रुप के अरकान कल वजीर आजम से मिलेंगे। जहांगीर तरीन खुद मुलाकात नहीं करेंगे, वफ तहफुजात से आगाह करेगा। हुकूमत गिराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाली मरियम नवाज का यू टर्न, कहती हैं ख्वाहिश है कि हुकूमत मुद्दत पूरी करे, चाहती हूं हुकूमत के पास सियासी शहीद बनने का कोई रास्ता ना हो। अता तारड़ के बयान की वजाहत देने चली आई, कहते हैं मरियम नवाज ने हुकूमत पूरी करने की बात इसलिए की ताकि ये पूरी तरह बेनकाब हो जाएं। कोरोना की तीसरी लहर में सिविल इदारों की मुआवनत के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के 16 शहरों में फौज तैनात कर दी गई। SOPs पर अमल करके ही हम इस वबा से महफूज रह सकते हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, आवाम का एतमाद अफवाज पाकिस्तान का असासा है, आजमाइश की घड़ी में आवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। उलमा इकराम की खुसूसी शिरकत के साथ NCOC का इजलास, उलमा ने यौम अली, शब कदर, जुमातुल विदा पर SOPs पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी। कोरोना की तदाबीर पर अमल दरामद का मिशन लेकर लाहौर में पाक फौज का गश्त, वायरस से बचाव के पैगामात, कोरोना के खिलाफ जंग में हमारा साथ दे, खुद बचें और मुल्क को भी बचाएं, जो मास्क नहीं लगाएगा जेल जाएगा, CCPO लाहौर ने खबरदार कर दिया। सिंध के तमाम स्कूल्स कॉलेजेस गैर मुइना मुद्दत के लिए बंद। 29 अप्रैल से इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी। रेस्टोरेंट्स में हर तरह की डाइनिंग बंद। सरकारी दफातर को 20% हाजिरी और निजी दफातर को 50% अमला बुलाने का हुक्म। SOPs पर अमल कराने के लिए फौज बुलाने का फैसला। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सूरत हाल खराब है, हम घबराए हुए हैं। यार अपने दिल पे हाथ रख के बैठे, घबराए हुए हैं आप लोग के नहीं है। आप लोग अगर नहीं है तो यार मैं हूँ, और मैं डरता भी हूँ, और मैं हार मानने के लिए भी तैयार रहता हूँ। मैं, मेरी कोई ऐसी ईगो इश्यूज नहीं है कि मैंने आज तक हार नहीं मानी। यार ये कोई, हम क्रिकेट का गेम नहीं खेल रहे, उससे निकल आए बाहर। कोरोना के वार पाकिस्तान में मजीद 70 अफराद शिकार, 24 घंटे में 4,825 केसेस रिपोर्ट। मर्दान में मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया गया। मुल्क में 40 साल से ज्यादा उम्र अफराद की वैक्सीनेशन का फैसला, रजिस्ट्रेशन कल से शुरू होगी। 50 साल वालों को वॉक इन वैक्सीनेशन की सहूलत मिलेगी। NCOC ने 10 से 16 मई तक ईद उल फितर की छुट्टियों की सिफारिश कर दी। भारत में कोरोना से मजीद 2,802 अमवात, 3,54,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। हर 4 मिनट में वायरस से एक शख्स की हलाकत। दिल्ली का गंगाराम अस्पताल मरीजों से भर गया। ऑक्सीजन सिर्फ मरीजों के लिए इस्तेमाल की जाए, हुकूमत ने तमाम रियासतों को हिदायत जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जस्टिस फायज ईसा की लंदन जायदादों की तहकीकात से मुतालिक नजरसानी दरखास्त कसरत राय से मंजूर। FBR रिपोर्ट और कार्रवाई का लदम करार। सरीना ईसा समेत वकला तंजीमों की नजरसानी दरखास्तें भी मंजूर।
आपसे बराह रास्त मिलकर कराची आकर आपसे अपने दिल की कुछ बातें करना चाहती थी, कुछ आपकी सुनना चाहती थी, लेकिन अफसोस कि ऐसा ना हो सका क्योंकि कोरोना की वजह से मैं आप सबकी जिंदगियों को खतरे में नहीं डालना चाहती। कराची NA 249 के जिम्मी इंतखाबात में दो दिन बाकी, तमाम जमातों की इलेक्शन कैंपेन तेज। मरियम नवाज का वीडियो पैगाम, कहा कराची आकर दिल की बातें करना चाहती थी लेकिन मिफ्ता इस्माइल कामयाब हुए तो वो बल्दिया के हर घर तक पानी फराहमी यकीनी बनाएंगे। मुस्तफा कमाल को भी जीत का यकीन, कहते हैं पार्लियामान में कराची की आवाज बनूंगा। मुश्किल से फी किलो 5 रुपए मुनाफा है। हुकूमत ने सब कुछ महंगा कर दिया है, हमें मारना चाहती है। डीजल है, किराया है, मजदूरी है, 2-3 लाख रुपया लग जाती है। कैल्शियम, फाइबर और आयरन से भरपूर काले चने पर मुनाफा भी खूब। मुनाफा खोर होशियार, 63 रुपए से दाम कैसे 200 रुपए किलो तक पहुंचते हैं। समा करेगा हर किरदार, बेनकाब।